हम लोग रीजनिंग में सिलोगिज्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सिलोगिज्म बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका आरआरबी एग्जाम, आपका आईबीपीएस एग्जाम, एसएससी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एसएससी में इतना ज़्यादा नहीं होता, बट अभी आपका बैंकिंग एग्जाम में बहुत पूछा जा रहा है। तो सिलोगिज्म के क्वेश्चन इस तरह से होते हैं फ्रेंड, कि स्टेटमेंट दिया रहता है और देन कंक्लूजन्स दिए रहते हैं, और आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कंक्लूजन को वेरीफाई कराना रहता है कि कौन सा कंक्लूजन सही है स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग। अब भले ही वो स्टेटमेंट आपको सही लगता है या नहीं, तो आपको उसको ट्रू मान के चलना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग वेन डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करेंगे फ्रेंड। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम 2 वेन डायग्राम हम लोग यूज करेंगे। बहुत सी बुक्स में 3 से 4 वेन डायग्राम भी दिए जाते हैं, लेकिन किसी भी आंसर को निकालने के लिए केवल 2 ही वेन डायग्राम सफिशियंट होते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट, जैसे कि यहाँ पे पहले क्वेश्चन में दिया गया है, ऑल ग्रीन आर ब्लू, ऑल ब्लू आर व्हाइट, ठीक है। तो बोल रहा है सभी ग्रीन ब्लू हैं और सभी ब्लू व्हाइट है, ऐसा एक स्टेटमेंट है। तो आपको इसको सही ही मानना है, भले ही आपको लग रहा है कि ब्लू ग्रीन कैसे बनेगा या ग्रीन ब्लू कैसे बनेगा, लेकिन आपको इसको हमेशा सही मान के एज्यूम करना। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन जैसे ही सॉल्व करना शुरू करते हैं, वैसे ही हम अपना वेन डायग्राम ड्रॉ करने लगते हैं, जैसे कि तब हम फिर कंक्लूजन पे जाते हैं। तो अभी सबसे पहले हम वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ऑल ग्रीन आर ब्लू। तो एक गोला बनाइए जो कि ग्रीन का है, जैसे कि ये दिखाया गया ऑल ग्रीन। फिर बोला ऑल ग्रीन आर ब्लू, तो सभी ग्रीन को ब्लू के अंदर कर दीजिए, तो सभी ग्रीन ब्लू हो गए। फिर बोल रहा है ऑल ब्लू आर व्हाइट, तो सभी ब्लू को हमने व्हाइट के अंदर कर दिया। तो फ्रेंड ऐसे क्वेश्चन में हमेशा याद रखिए कि अगर आपके ऑल ऑल वाले स्टेटमेंट है तो सिर्फ एक ही वेन डायग्राम बनता है, ठीक है, और बहुत इजीली हम कंक्लूजन निकाल लेते हैं। ऑल ऑल वाले जो स्टेटमेंट आते हैं उनमें केवल एक ही वेन आरेख बनता है। तो ये हमारा वेन डायग्राम बन गया। अब हम अपने कंक्लूजन पे चलते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन है सम ब्लू आर ग्रीन। तो यहाँ ध्यान से देखिए, बोल रहा है सम ब्लू आर ग्रीन, तो हमको दिख रहा है कि ये जो है ये ब्लू ब्लू वाला सर्किल है और ये ग्रीन वाला, तो बोल रहा है कि सम ब्लू आर ग्रीन, Yes, of course, some blue are green. ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। तो ये हमारा कंक्लूजन सही हो गया। देन नेक्स्ट कंक्लूजन है सम व्हाइट आर ग्रीन, तो सम व्हाइट आर ग्रीन, ठीक है। तो देखिए व्हाइट, ये व्हाइट है पूरे बाहर और फिर अंदर ग्रीन है, तो सम व्हाइट आर ग्रीन, तो बिल्कुल हमें साफ साफ दिख रहा है कि सम व्हाइट आर ग्रीन, तो कुछ व्हाइट है जो कि ग्रीन भी है। देन नेक्स्ट कंक्लूजन है सम ग्रीन आर नॉट व्हाइट, तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है कि ग्रीन तो व्हाइट के अंदर ही है, तो ग्रीन व्हाइट कैसे नहीं होंगे। देन ऑल व्हाइट आर ब्लू, तो ये इम्पॉसिबल है कि सभी व्हाइट ब्लू नहीं हो सकते, कुछ व्हाइट ब्लू है बट सभी व्हाइट ब्लू नहीं हो सकते। तो इस तरह से हमारा आंसर निकलता है, केवल फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन जो है वो सही है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। और हमको एग्जाम में ऑप्शन ऐसे दिए रहते हैं कि आंसर ए दीजिए यदि पहला कंक्लूजन सही है, आंसर बी दीजिए यदि दूसरा कंक्लूजन सही है, या फिर ऑप्शन में ही आपको दे दिया जाएगा कि पहला सही है, पहला और दूसरा सही है, 1, 2, 3 सही है, सभी सही है, चौथा सही है, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन आपको मिलते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, स्टेटमेंट दिया गया है ऑल द हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट, सभी हारमोनियम इंस्ट्रूमेंट है। तो देखिए ये हमारा हारमोनियम हो गए सभी, और सभी हारमोनियम आपके इंस्ट्रूमेंट हो गए। देन नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स, तो जो सभी इंस्ट्रूमेंट है वो फ्लूट हो गए। तो यहाँ पर हमारा बन गया सभी इंस्ट्रूमेंट फ्लूट हो गए। तो अब हमको वेरीफाई करना है कि हमारे कंक्लूजन सही है कि नहीं। तो पहला कंक्लूजन है ऑल द फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट, तो ऑल द फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट होने के लिए सभी फ्लूट्स को इंस्ट्रूमेंट के अंदर आना चाहिए, तो ऑल द फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट, बिल्कुल गलत थे क्योंकि सभी फ्लूट्स इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकते, सभी इंस्ट्रूमेंट फ्लूट है तो सभी फ्लूट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। देन नेक्स्ट कंक्लूजन देखिए फ्रेंड, ऑल द हारमोनियम आर फ्लूट्स, तो ये सभी दिख रहा, सही साफ साफ दिख रहा है कि ऑल हारमोनियम्स आर व्हाट फ्लूट्स, तो सेकंड आपका कंक्लूजन बिल्कुल सही है। तो आप हमेशा याद रखिए कि जब ऑल वाले स्टेटमेंट आते हैं तो केवल एक ही वेन आर एक चाहिए रहता है, और बहुत आसानी से हम कंक्लूजन निकाल लेते हैं।
देन नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए फ्रेंड, सम मैंगोज आर येलो, सम टिक्सो आर मैंगोज। तो अभी टिक्सो क्या है, मैंगो क्या है, इसको हमने डिस्कस करते हैं, हम सीधे सीधे इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए कि जब भी सम वाला स्टेटमेंट आता है, ठीक है, जब भी सम वाला स्टेटमेंट आता है तो दो वेन आरेख बनते हैं और दो से अधिक ही बन सकते हैं, लेकिन हमको आंसर निकालने के लिए सिर्फ दो वेन आरेख ही ड्रॉ करना है। और कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले सम मैंगोज आर येलो, सबसे पहले आप मैंगो बना लीजिए, जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया सम मैंगो, फिर सम मैंगो आर येलो, तो कुछ मैंगो को हम येलो कर देते हैं, और सम टिक्सो आर मैंगोज, तो सम टिक्सो आर मैंगोज। लेकिन देखिए यहाँ पे हमको टिक्सो और येलो के बीच में कोई रिलेशन दिया नहीं है, कोई बताया नहीं कि टिक्सो येलो है या नहीं है, तो हम ऐसा ही मान सकते हैं कि येलो टिक्सो नहीं है, और हम ऐसा ही मान सकते हैं कि येलो टिक्सो भी हो सकता है। तो इस तरह से ये जो टिक्सो है वो येलो से और मैंगो दोनों से भी कंबाइन हो सकता है, तो हमारे ये दो पॉसिबिलिटी संभव है। तो इस तरह से फटाफट आप दो वेन आरेख ड्रॉ कर लेंगे, पढ़ते से ही, जैसे ही पढ़ेंगे वैसे ही ड्रॉ करना शुरू। देन कंक्लूजन देखिए, सम मैंगोज आर ग्रीन, तो सम मैंगोज आर ग्रीन, तो सम मैंगोज आर ग्रीन, तो यहाँ पे वही ग्रीन तो कहीं दिया ही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ग्रीन तो हमको स्टेटमेंट में ही कहीं नहीं दिया। तो मैंगोज आर ग्रीन, भले मैंगो ग्रीन होते हैं लेकिन स्टेटमेंट में तो हमको नहीं दिया ना, तो वो हमारा सही हो ही नहीं सकता, तो ये हमारा कंक्लूजन बिल्कुल गलत। टिक्सो इज येलो, तो अब टिक्सो येलो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हम कन्फर्म नहीं बता सकते। तो ये जो पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी अगर सिंगल पॉसिबिलिटी, मतलब अगर ऐसा भी देता कि टिक्सो इज येलो एंड टिक्सो इज नॉट येलो, तो फिर दो आइदर और बोल देते कि इन दोनों में से कोई एक बात तो सही होनी है, बट अभी हमको ये पॉसिबिलिटी सिंगल दी है, मतलब कि एक ही पॉसिबिलिटी दी है कि टिक्सो येलो भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते ऐसे नहीं दिया। अगर ऐसे दिया होता तो हम बोलते दोनों में से कोई एक बात हो सकती, बट ये सिंगल पॉसिबिलिटी, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा। तो हमारा आंसर होगा इन दोनों कंक्लूजन में से कोई भी कंक्लूजन सही नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं फ्रेंड, स्टेटमेंट दिया हुआ है सम एंट आर पैरेट, ऑल द पैरेट आर एप्पल्स, ठीक है, तो सम एंट आर पैरेट ये हमने बनाया, सम एंट आर पैरेट, फिर हमको बोला गया था ऑल द पैरेट आर एप्पल्स, ठीक है, तो बोल जा रहा सम एंट्स आर पैरेट एंड ऑल द पैरेट्स, ऑल द पैरेट्स आर एप्पल, तो सम एंट्स आर पैरेट, ठीक है, ये पैरेट हो गए, और फिर ऑल पैरेट्स एप्पल होता है, हमारे पास एक ही कंडीशन है कि हम ऑल पैरेट्स को एप्पल के अंदर रख दें, तो ये हमारी एक सिचुएशन बन गई। अब इसमें देखो फ्रेंड्स, ऐसा भी हो सकता है कि उसने हमको ऐसा तो नहीं बोला है कि सभी एंट्स जो है वो एप्पल नहीं हो सकती है, ठीक है, उसने बोला ऑल पैरेट आर एप्पल, तो ऐसा तो नहीं बोला ऑल पैरेट एप्पल, एक ऐसी कंडीशन भी बन सकती है कि एंट्स भी तो एप्पल हो सकते हैं, मना तो नहीं किया होने के लिए। तो ऐसे हम एक पॉसिबिलिटी बनाते हैं कि अगर एंट्स, सभी एंट्स एप्पल हैं, नहीं ऑल पैरेट्स आर एप्पल, सभी पैरेट्स एप्पल हैं, तो एंट्स को मना नहीं किया वो भी हो सकते हैं, तो फिर ये हमारे यहाँ नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, क्योंकि हमको बोला नहीं गया बट इनडायरेक्टली हम ऐसा एज्यूम करते हैं, तो ये दो हमारे बन गए। अब हम कंक्लूजन निकालते हैं ऑल द एप्पल्स आर पैरेट, तो ऑल द एप्पल्स आर पैरेट्स इम्पॉसिबल है, दोनों दोनों केस में देख लीजिए एप्पल पैरेट नहीं हो सकता, ठीक है, तो पहला तो बिल्कुल गलत हो गया। सम एंट्स आर एप्पल्स, ठीक है, तो सम एंट्स आर एप्पल यहाँ भी और यहाँ तो सभी एंट्स एप्पल है, तो ये बिल्कुल सही ही होना है, क्यों, क्योंकि जब सभी एंट एप्पल है तो कुछ तो होंगी, तो यहाँ भी फॉलो हो रहा है और यहाँ पे साफ साफ दिख ही रहा है कि सम एंट आर एप्पल, तो दूसरा वाला बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम फ्रेंड, हमको स्टेटमेंट दिया गया सम पेपर आर पेंस, तो सम पेपर ले लिए हमने, सम पेपर, और ये हो गया आपका सम पेपर आर पेंस, और फिर बोला है ऑल पेंसिल्स आर पेंस, तो पेन के अंदर हमने पेंसिल बना दी, लेकिन अभी हमें ऐसे नहीं बोला है कि ये पेंसिल जो है वो पेपर नहीं हो सकती, तो नेक्स्ट हम लोग पॉसिबिलिटी क्या लेते हैं कि जो पेंसिल है वो पेपर भी हो सकती है, ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको यहाँ भी कहा, तो अब ये दो डायग्राम बन गए। तो ध्यान रखिए जब भी सम वाले स्टेटमेंट आते हैं तो दो डायग्राम हम लोग, दो पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो हम यहाँ पे कंक्लूजन देखते हैं, सम पेंस आर पेंसिल, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, पहले बारे में देखिए सम पेंस सभी, सम पेंस आर पेंसिल सही है, तो सम पेंस आर पेंसिल यहाँ भी बिल्कुल सही है, ठीक है, तो सम पेंस आर, तो ये पहला तो बिल्कुल ही सही हो गया। सम पेंस आर पेपर्स, तो यहाँ पर देखिए
सम पेंस आर पेपर, यहाँ भी दिख रहा है और सम पेंस आर पेपर दिख रहा है, तो इसमें तो दोनों ही फॉलो करेंगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारे सिलोगिज्म के क्वेश्चन, आगे भी हम अपने सिलोगिज्म के क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है आपको जितना समझाया है समझ में आया होगा। तो अभी जो आपका एग्जाम होने वाला है बैंकिंग एग्जाम में, उसमें ये बहुत ही काम में आएंगे फ्रेंड्स। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए।